वेलकम टू द ब्लॉग भाई, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में अभी ब्लॉग शुरू हुआ नहीं है कि बैक म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है और आई होप कि आपको वो सुनाई भी दे रहा होगा। तो यार डेली सबसे पहले यही होता है मेरे साथ, ब्लॉग स्टार्ट करो नहीं कि स्टार्ट हो जाता है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। अरे यार, हाँ भाई तू पहले भोंक ले, तू सबसे पहले भोंक ले, तेरे लिए ही तो खोला है मैंने सुबह सुबह कैमरा, आ जा भोंक ले। कर लेते हैं इनके बैक म्यूजिक खत्म होने की, क्योंकि कहीं भी जाओ घर के कोई भी कोने में जाओ इनका बैक म्यूजिक खत्म नहीं हो रहा था। और यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ नहीं आ रहा। शुरू करते हैं आज के वीडियो को इसी के साथ। और वीडियो पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा, डोंट स्किप, फुल वॉच। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को इसी के साथ। I don't wanna say anything. तो भाई शाम के अभी 7 बज रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ आशीष का। आशीष पीछे से आ रहा है, जस्ट आगे ही रहता है मेरे घर के। सो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और अभी शाम को अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर काफ़ी दिनों के बाद। गाड़ी जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, शुरू है वो सर्विसिंग में जाएगी तो ही सही होगी। तो आज आशीष पैदल ही आ रहा है, साथ में ही है, हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, एक्चुअली बगल में ही जाना है। तो जस्ट आ ही रहा है बंदा, वहाँ पे नज़र आया जस्ट बगल में रेड टी शर्ट। आगे 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 स्टार्टिंग के साथ ही तुम्हारा स्वागत कर दिया आज पहली बार भाई। तो अभी जस्ट शाम का टाइम था, अभी निकल रहे हैं, जस्ट बगल में कुछ कुछ काम था दोनों को। सो अभी क्या सिलसिला था कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा पहले भाई। अभी आपको जैसा पता था कि पीनट ख़त्म हो चुका है, सो अभी आया हूँ यहाँ पे, बहुत सारा पीनट ही पीनट नज़र आएगा आपको। एंड ऑलवेज लास्ट टाइम मैंने लिया था जो था वो नॉर्मल फ्लेवर था जो कि मैंने इसको यूज़ किया था, पीनट्स बटर का क्रंची फ्लेवर था जो लास्ट टाइम यूज़ किया था मैंने। और इस टाइम चॉकलेट कर लें या फिर टेस्ट में जैसे नॉर्मल ही ज़्यादा रहता है, नॉर्मल टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है, उससे ज़्यादा नहीं फिर ज़रूरी नहीं ना तेरे को अच्छा लगेगा वो। हाँ क्योंकि दूसरा ट्राई नहीं किया, क्रंची पीनट्स है और डॉक्टर वेट कर ठीक है 925 grams 284। तो भाई आज जो हमारा न्यूट्रिएंट्स पैक है वो फिर से पूरा फुलफिल हो चुका है। लास्ट टाइम मैं लेके जा रहा हूँ घर, मैं खाऊंगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था इसको तो मैंने बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि यार चल कंटिन्यू करते हैं डेली मॉर्निंग जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, ले तो पता नहीं ले ही नहीं रहा है। लेकिन मॉर्निंग में उठना भी पड़ता है, पहले तुम उल्लू बना के रख दिए हो रात भर के लिए। वैसे आजकल हमारा कॉन्वर्सेशन डेली हो जाता है रात को ही, तो कभी कभी अगर आप उठते हैं, बहुत लोगों का हैबिट होता है पहले तो उठने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर एक बार ऊपर मॉर्निंग में उठ गए ना फिर मज़ा आने लग जाता है भाई। 4 बजे सोएंगे, उठेंगे कब यार 5 बजे भाई। अभी सीन ले रहा था और फिर ऑफ निकल चुका है यार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मेरे जब हम रहते हैं तभी होता है कि तेरे साथ भी होता है? मेरे साथ भी होता है, लास्ट टाइम हुआ था मेरे साथ भी हुआ था। लास्ट टाइम जब हम शूट कर रहे थे तो पता चला कि कैमरा ही नहीं ऑन था। तो मैं बता रहा था कि अभी शावन चल रहा है, सो एग जो है कंजप्शन रुका हुआ है हमारा, तो उस प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए स्प्राउट्स आप कंजप्शन कर सकते हो, स्प्राउट्स का वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। और अभी आप सभी के लिए खुशी का बात है कि आशीष जो है अभी अपने शादी के लिए फ़ोटो खींच सेशन खिंचवाने जा रहा है। तो रिश्ता आने के बाद कैसा फील कर रहे हो आशीष भाई? तू पहले करेगा उसके बाद ना करेंगे, क्लिक करवाएगा बंदा। पासपोर्ट फोटो साइज लड़की वाले ने मांगा है अभी इसके लिए। एक्टिव है कुछ बोलेंगे तो ये काट देगा, इसलिए बोलने का तो कोई फायदा नहीं है। उस दिन उसको भी लगा था जो इसीलिए ब्लॉग में दिखाया था, ब्लॉग बनाने के चक्कर में रास्ता ही भूल गया। कहाँ था भाई रास्ता भूल? पिछले 1 घंटे से मैंने जब निकला था वो आधा घंटा हो रहा होगा भाई, आधा घंटा पिछले आधे घंटे से घूम रहे हैं भाई था रास्ता, और हम लोग को लग रहा था कि बैक में है। सो इस तरीके पीछे से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और करीबन आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही चल चुके होंगे भाई। तो फाइनली भाई आधे घंटे से घूमते घूमते आ गए आप पहुँच ही गए थे, जस्ट बगल में था, बगल में था, घर के बगल में था, एक गली का फासला था। ये अगर ये गली है इसमें है तो ये गली में घूम रहा था जस्ट, इसके बाद जस्ट इधर चला गया था ना कि इधर आया था, तो ये लफड़ा हो रहा था। अंदर देख लो पहले, सबसे पहले क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो, चलो 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 हो गया, लिपस्टिक बाद में लगाना। तभी ये दो पेयर है भैया, दोनों पक्का है ना पेयर है, तो दो पेयर है यहाँ पे, पसंद भी आ रहा है यार, लेकिन देखते हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन कितने दिन का है भैया, कितने दिन का है? चाहिए हाँ
वो देख के बताएंगे, लेकिन पसंद तो आ रहा है भाई। फाइनली भाई अभी आए हुए थे, रास्ते में सडनली आए थे, पहले मैंने सोचा कि कुछ बच्चे को लिया जाए तोता का, तो डायरेक्टली आ रहे थे तो बगल में ही घर के एक पेट शॉप है, पहले भी मैंने आया हुआ था यहाँ पे, आए हुए थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी इसको अभी घर लेके चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अभी नामकरण भी नहीं हुआ, सब कुछ घर लेके चलते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके बारे में। और ये है यहाँ के शॉप ऑनर, ऑनर जो कहते हैं ठीक है, नाम है भैया का नितीश नाम है। एड्रेस मैं डाल दूंगा, लिंक में डाल दूंगा ठीक है, एड्रेस आप हमको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दीजिएगा, वो मैं डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी पेट लेना है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पेट आपको मिल जाएगा, सारा फूड्स। और दूसरी चीज़ बहुत जगह होती है कि अगर आप पेट लेते हो तो डॉक्टर्स का झमेला, वो सारा चीज़ यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉग्स भी अवेलेबल है, बर्ड्स भी अवेलेबल है, हर एक वेराइटी का। और भैया से बात हुआ तो उस दौरान इन्होंने बोला कि काफ़ी टाइप वेराइटीज़ के पैरोट्स इनके पास अवेलेबल है, और खुद घर पर फीड होता है उनका, उसके बाद ये मार्केट में उसको लाते हैं। तो इसके सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, आप चलते घर पे, आशीष भी साथ में है, सो चले आशीष सर, चलो, लेकिन ये कैरी नहीं करेगा, ऑलरेडी पहले रिफ्यूज कर चुका है, तो लेकिन चल रहे भाई, और पास में ये आशीष इसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं देखता, मुझे जो मिल जाए मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे एनिमल्स रखने का बहुत ज्यादा शौक है। नहीं है अब, लेकिन आप लोगों को पहले से ही पता है कि डॉग मैं नहीं रख सकता, इसलिए क्योंकि उसको मॉर्निंग में केयर करना, डॉग को केयर करना बहुत ज्यादा, पहली बात तो कोई भी एनिमल्स अगर आप उसे घर लेके आते हो तो उसे आप केयर करो अपने बच्चे की तरह, क्योंकि वो आपको एक फैमिली मेंबर हो जाता है। घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे ये दोनों के दोनों रखा हुआ है, अभी दोनों घर में सेटल पूरी तरीके से नहीं हुआ है। Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. Finally भाई अभी घर आया हूँ और जस्ट अभी ट्राई कर रहा हूँ कि घर में फ्रेंडली रह सके ये। और अभी फीमेल जो है दो पेयर है, एक फीमेल है एक मेल है, दोनों के दोनों, जो आगे में ये बैठा हुआ है ना ये एक फीमेल है, और जो पीछे में वो ऐसे बंदर जैसा लटका हुआ है ना वो मेल है। सो फिलहाल भाई अभी आप ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अगले पार्ट में आपको शो करते हैं, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। और हाँ हाँ, जाते जाते एक चीज़ और कि अभी इनका नाम नहीं पता है भाई, दोनों का कोई नाम नहीं रखा हूँ। सो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो नाम सजेस्ट कर सकते हो, एक मेल है एक फीमेल है। सो अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में नाम सजेस्ट कर लो कि मेल के लिए क्या रखूँ एंड फीमेल के लिए क्या रखूँ, अगर नाम पसंद आया तो मैं उसे ज़रूर रखूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और इन दोनों की तरफ से भी बाय बाय।